तो भाई लोग कैसे हो। तो यार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो या फिर कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने वाली है। तो यार आज के वीडियो में हमारे पबजी मोबाइल के नए लिविक मैप का एक स्टोरी बताने वाला हूँ। और गाइस ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय स्टोरी होने वाला है। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको लिविक मैप के पीछे की सारी हिस्ट्री मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यार अगर आप भी इस रहस्यमय खूबसूरत ग्रीनलैंड के पीछे का हिस्ट्री जानना चाहते हो तो यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में ताकि उन लोगों को भी लिविक मैप के हिस्ट्री के बारे में पता चल पाए। ठीक है, तो यार वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्टर्न यूरोपियन साइड के एक छोटे से आइलैंड से, जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े ज़मीन हैं और उस ज़मीन में बड़े बड़े घास है और कुछ भी नहीं है। तो यार इसीलिए उसको ग्रीनलैंड भी बोला जाता था। तो यार वहाँ पे सिर्फ वहाँ के नेटिव लोग ही रहते थे, जो कि छोटे छोटे टर्फ हाउस में रहते थे, जो कि आपको गेम में भी दिखने को मिल जाता है फिश करस जैसे जगहों पर। तो यार वहाँ पर ही वहाँ के गांव वाले जो कि नेटिव लोग हैं वहाँ के, वो रहा करते थे। जितना वीरान ये आइलैंड था उतना ही खूबसूरत भी था। और एक दिन कुछ अमीर लोग यहाँ पे अपने समर वेकेशन की छुट्टियों पे छुट्टियाँ काटने आ गए, क्योंकि इनको पता चला था कि ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे कोई उतना आता जाता भी नहीं है, सिर्फ कुछ गांव वाले ही रहते हैं यहाँ पे। और इस आइलैंड की खूबसूरती उनको इतना लुभा गई कि वो अपने शहर जाके सारे लोगों को इस आइलैंड के बारे में बता दे। और फिर धीरे धीरे शहर के लोग इस लिविक आइलैंड पे आके बसने लग गए। उन लोगों ने रहने के लिए एक छोटे छोटे शहर भी बना लिए थे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैप में मिडस्टन और ब्लूमस्टर जैसे जगहों में, और भी कई सारी जगहें। और इन शहर वालों के आने से लिविक के जो नेटिव विलेजेस थे वो लोग बहुत नाखुश थे, क्योंकि उन लोगों की ज़मीन पे, हक की ज़मीन पे वो लोग कब्जा कर रहे थे और अपना शहर बना रहे थे, और उन लोगों को ज़बरदस्ती आइलैंड के कोने में शिफ्ट कर दिया जा रहा था। जैसे कि आप मैप में देख ही सकते हो फिश करस जैसी जगहों पे उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जा रहा था, जो कि बिल्कुल आइलैंड के एकदम कोने में है, मैप के कोने में है, बिल्कुल सी के बगल में। और जब भी कोई फ्लड वगैरह आता था तो यार उनके घरों पे पूरा पानी भर जाता था और उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था उस टाइम पे। जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हो फिश करस के जो टर्फ हाउसेस हैं उनके ऊपर सेवाल पूरा जमा हुआ है। तो यार उन शहर वालों में से कुछ अच्छे शहर वाले थे जो लिविक के गांव वालों के प्रॉब्लम समझे और उनके लिए पूरे मैप में छोटे छोटे टर्फ हाउसेस बना दिए। जैसे कि आप देख ही सकते हो मिडस्टन के पीछे भी आपको दो टर्फ हाउसेस देखने को मिल जाएंगे और पूरे मैप में भी ये बिछड़े हुए हैं। गांव वालों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद उन लोगों ने भी शहर वालों को एक्सेप्ट कर लिया था और टूरिज्म की वजह से लिविक की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी। और यहाँ की बढ़ती इकोनॉमी की वजह से लिविक में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लग गए। देश विदेश से क्रिमिनल्स और ड्रग सप्लायर्स यहाँ पे आने लग गए। वो लोग अपने आर्म्स, ड्रग्स और क्रिमिनल इक्विपमेंट्स ई स्पोर्ट्स के कंटेनर के अंदर नॉर्मल गुड्स के बीच में छुपा के वो लोग शिप के द्वारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे। स्टार्टिंग में वो लोग अपने ड्रग्स और आर्म्स ब्लूमस्टर के पीछे सी के बगल में और लंबरयार्ड के लेफ्ट साइड में एक छोटे से लैंडस्केप में एक बहुत बड़े घर में वो लोग छुपा के रखते थे। और इस बात का पता लिविक के गांव वालों को चल गया था, जिसके कारण उन लोगों ने रिवोल्ट किया और रिवोल्ट में उन लोगों ने वो दो बड़े बड़े घरों को जलाकर राख कर दिया। जैसे कि आप देख ही सकते हो इस क्लिप में कि अभी भी ये जगह मैप में पूरा का पूरा खंडर पड़ा हुआ है। क्रिमिनल्स ने फिर सीक्रेट लोकेशन बनाया अपने आर्म्स और ड्रग्स को छुपाने के लिए, जैसा कि एक्वेडक्ट और वाटरफॉल के पीछे। और इस बात का पता लिविक के गांव वालों को नहीं चल पाया और फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती चली गई। इन लोगों ने होल्डर्स में फैक्ट्री बनाया, पावर प्लांट बनाया और लिविक के गांव वासियों को ज़बरदस्ती किडनैप करके ये लोग वहां पे मजदूरी कराते थे। और लिविक की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और जिसके वजह से यहां पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे शहर बन गए, जैसे कि आइसबर्ग हो गया, क्रैपगास हो गया, गास हो गया, वेंजन हो गया। और आइसबर्ग में इन लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत चर्च भी बनाया था जहाँ पे ये लोग वर्शिप करने जाते थे। और जैसे जैसे लिविक की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती गई।
पहले तो सिर्फ गांव वाले अगवा हो रहे थे, लेकिन अभी नॉर्मल जो शहरवासी थे जो यहाँ पे रहने आए थे वो लोग भी धीरे धीरे अगवा होने लग गए। इसी रीज़न की वजह से लिविक के गांव वाले और जो वहाँ के नॉर्मल शहर वाले लोग थे जो वहाँ पे रहने आए थे, उन लोगों ने मिलके जो क्रिमिनल्स थे उनके अगेंस्ट बैटल किया और उस बैटल में बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग हर क्रिमिनल मर चुका था और बहुत सारे गांव वाले और शहर वाले भी मारे गए, जिसका प्रूफ आपको मिडस्टन के ब्रोकन वॉल से भी मिल जाएगा जो कि वार के दौरान टूट फूट गए थे। जो लोग उस वार के बाद जिंदा बच गए थे वो लोग इस आइलैंड से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम लोग का रोल क्या है इसमें, क्या हम लोग वो शहर वाले हैं या फिर गांव वाले हैं या फिर वो क्रिमिनल्स हैं? इसका जवाब ये है कि हम लोग वो तीनों ही हैं, क्योंकि वार ख़त्म होने के बाद जो लोग भी जिंदा बचे थे वो लोग तो भाग गए थे, लेकिन जो क्रिमिनल्स बच गए थे वो लोग भाग नहीं पाए थे और उन क्रिमिनल्स ने जिनको अगवा करके रखा था वो लोग भी वहीं पे फंसे रह गए। वो लोग वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकले और फिर एक दूसरे को मारने लग गए, क्योंकि उस आइलैंड पे और कुछ बचा नहीं था। खुद को जिंदा रखने के लिए और खाने के लिए वो लोग एक दूसरे को मारते रहे और एक दूसरे का खाना और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें चुराने लग गए। वो लोग शायद अभी भी उस आइलैंड पे जिंदा है और एक दूसरे को अभी भी मार रहे हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी, लिविक की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी ये स्टोरी के बारे में पता चल पाए। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।